उन मीडियाओं में और आज जो सोशल मीडिया आगे आया है तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैं अपने अपने लिए नहीं, प्रशंसा नहीं सुनना चाहता कि जो जो पहले जो मीडिया है जो दलितों पे या बहुजन पे जो इस तरीके का अत्याचार होते थे उनको बहुत कम दिखाते थे, और आज सोशल मीडिया जागरूक हो चुका है, आप लोगों के माध्यम से आप लोग अपनी बातें उठा रहे हैं, तो सोशल मीडिया और ये जो वैसा मीडिया उसमें क्या थोड़ा सा बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो बेसिकली मनो स्ट्रीम मीडिया है, अमूमन मनो स्ट्रीम मीडिया है, और सोशल मीडिया ही ये हमारा वैकल्पिक हथियार है। सोशल मीडिया के थ्रू ही इनके मान में जाके जो है ना इनसे लड़ेंगे और इनका जबड़ा फाड़ेंगे अन्याय और अत्याचार का। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूँ, मैं 14-15 से सोशल मीडिया पे आया, और जितनी राइटिंग जो मैं पहले अखबार और मैगजीन को जो है जाना पड़ता था और उनसे जो है प्रेस निमंत्रण भेजिए, इन्विटेशन भेजिए, रिलीज भेजिए, कोई आएगा नहीं आएगा, कल होके अखबार चेक करना और देखना कि भाई हमारा न्यूज़ आएगा। अब हम लोगों ने सब बंद कर दिया है, जो भी कार्यक्रम होता है वो आप जैसे साथी यूट्यूब चैनल्स होते हैं या हमारे मोबाइल से लाइव होता है या हम लोग लिखते हैं, और उसी क्षण वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे फलक पे वो न्यूज़ रहता है। तो और मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से 2 वर्ष में मैंने 2 किताबें लिख दी, एक छप चुकी है और कितने रोहित, और एक वंचित भारत सवाल और संघर्ष प्रेस में है। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, और मैं क्या बताऊँ, देश दुनिया से मुझे कई फ़ोन आते हैं, और कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ मैं गया हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं, कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ मैं गया हूँ और लोग मिले न हो कि सोशल मीडिया में आपको यूट्यूब पे देखते हैं और आपके लेख पढ़ते हैं और तमाम। तो इनके अखबार के चक्कर में कौन, ये सोशल मीडिया ने तो हमें अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, और अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आते हैं जो यूट्यूब पे आप लोग जो चलाते हैं वो लोग देखते हैं। और अभी हालिया एक संस्मरण सुना दूँ, बड़ा दिलचस्प है, अब मैं अभी लेख लिख रहा हूँ सोशल मीडिया और दलित विमर्श, अभी जनवरी में छपेगी। अभी मैं जिग्नेश के कैंपेन में 5 तारीख को जा रहा था अहमदाबाद, और टर्मिनल 2 से फ़्लाइट थी, और वहाँ थोड़ा रास्ता भटक गया, तो टैक्सी वाले साथी से पूछा कि भाई टर्मिनल डिपार्चर किधर है, वो गेट खोला और निकलते बोला जय भीम सर, मैं आप ही का वीडियो देख रहा था अभी, और बोला कि मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ और बहुत ही दिलचस्प है, और बड़ा इज्जत, और उसके आँखों में जो चमक थी और चेहरे पे जो चमक थी उसको लग रहा था कि जैसे कोई सेलिब्रिटीज मिला हो उसको, जिसको सुनता हो अचानक सामने हो। मैं छोटा मोटा एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया ने हमें पहुँचाया है, इसका इससे नायाब मतलब बेहतरीन उदाहरण हमारे पास नहीं हो सकता। जब मैं जिग्नेश के चुनाव क्षेत्र में पहुँचा अगले दिन शाम में, जब कैंपेन कर लौटा, तो वहाँ पे 5-7 लोग, कुछ नौकरी पेशा लोग और कुछ छात्र मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने सुना कि रतन जी आए हैं फेसबुक, उन्होंने पढ़ा हो और मिलने आया, जय भीम बोला, तो मैंने भी जय भीम की, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे आपको सुनते हैं और पढ़ते हैं इसलिए आपसे मिलने आया, घंटों बातचीत हुई। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत, और इनके इनके इनको जो परेशानी हो रही है ना, भारत के अंदर की जो मीडिया थी वो तो इनकी मनुष्य 4th खंभा में इनका घुन लगा हुआ है, दावा करते हैं हम 4th खंभा करते हैं, गोदी मीडिया है, जाके पैसा के लिए पत्तल चाटने वाला काम करते, वो सब दिख रहा है। हम लोग टीवी न्यूज़ चैनल देखना एक आध को छोड़कर बंद कर चुके हैं, हम लोग देखते होते नहीं। और बहुजन जमात से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहा हूँ कि जितना ये सब मनुस्ट्री में सब देखना बंद करो, और यूट्यूब चैनल पे जितने हमारे दलित बहुजन के चैनल से उनको सब्सक्राइब कीजिए, उन सबको देखिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम आपके बीच होंगे, आपके घर के बीच होंगे, और जो सोचते समझते हैं, जो लिखते पढ़ते हैं, वो विचार आप तक पहुँचेंगे। और मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप न्यूज़ सब्सक्राइब करें और देखें, बहुत ही बहुजन समाज से जुड़े हुए बहुत ही प्रासंगिक रिलेवेंट इश्यूज़ को ये उठाते हैं, इसलिए इन्हें देखना ज़रूरी है। शुक्रिया।